Hello everyone, welcome back to GK today. This is Nuzhat Sana और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स. स्क्रीन पे आप कुछ कीवर्ड्स देख रहे होंगे और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट सेमिकॉन इंडिया 2024, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देखेंगे कि हमारा हाल ही में 101st नंबर का नेशन कौन बन चुका है इसको ज्वाइन करने के लिए. फिर देखेंगे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज. वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे देखेंगे कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि IC4 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे और इसी तरह से एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच सिटी. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है सेमिकॉन इंडिया 2024 को 11th ऑफ सितंबर को. कहां पे? इन ग्रेटर नोएडा इन द स्टेट ऑफ यूपी. ओके, और ये इवेंट जो है वो 11th to 13th ऑफ सितंबर तक कंडक्ट किया गया. इस दौरान हाईलाइट किया गया कि इंडिया किस तरह से एक ग्रोइंग सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे सामने आ रहा है. ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर लीडर्स, इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जहां पे वो कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है सेमी ने इन कोलैबोरेशन विद मुंट्रिन इंडिया एंड इसको सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने. ठीक है, इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर. इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है वो फिलहाल वैल्यूड है एट $150 बिलियन. टारगेट हमारा है कि 2030 तक हमको इसको बढ़ा के $500 बिलियन तक करना है. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2024 को एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच सिटी इन ग्रेटर नोएडा. ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइमरीली ऑर्गेनाइज करती है सेमिकॉन इंडिया को? इट इज द सेमी ऑर्गेनाइजेशन. फाइन, सेमी ऑपरेट करती है ग्लोबली और ये ज्यादातर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है थ्रू एडवोकेसी, स्टैंडर्ड्स एंड मार्केट इंटेलिजेंस. फाइन, तो सेमिकॉन इंडिया को एनुअली हेल्ड किया जाता है. कौन सी सिटी में इस साल का सेमिकॉन इंडिया कंडक्ट हुआ है? आंसर इज ग्रेटर नोएडा. और थीम हमने क्या रखी है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर. आप यहाँ पे थीम को देख सकते हैं. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की बात करें अगर हम, तो कौन सा मटेरियल है जो प्राइमरीली यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में? सो दिस इज द सिलिकॉन. और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया देखें तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एज ऑफ द टेक्स्ट? तो $150 बिलियन फिलहाल इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वर्थ है और हमारा टारगेट है कि इसको 2030 तक बढ़ा के $500 बिलियन पहुंचाना है. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्टर को इंडिया के अंदर? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. और क्या टारगेट वैल्यू है फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बाय द एंड ऑफ 2030? दिस इज $500 बिलियन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 101st मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, नेपाल. नेपाल 101st नेशन बन गया है टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर. ठीक है, और नेपाल ने हैंड ओवर कर दिया है अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन टू द ISA इन न्यू दिल्ली. ठीक है, और ये हुआ ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन नेपाल के जो डॉक्टर सुरेंद्र थापा हैं और इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर अभिषेक सिंह. इनकी मीटिंग के दौरान इसको हैंड ओवर किया गया. और हम यहाँ पे अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज के यूज को इंक्रीज करना. इसके मेन गोल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, एनर्जी एक्सेस को इम्प्रूव करना, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, साथ ही एनर्जी ट्रांजिशंस को सपोर्ट करना. ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि ISA को स्टार्ट किया था इंडिया और फ्रांस ने.
किस लिए? क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए थ्रू सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किन दो कंट्रीज ने इनिशिएट किया था। दीज टू कंट्रीज आर इंडिया एंड फ्रांस। ओके, तो हाल ही में 101st नेशन बन गया है नेपाल टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है आपसे? कब इसको फाउंड किया गया था? 2015 में। कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इस अलायंस को इनिशिएट किया था? दीज कंट्रीज आर इंडिया एंड फ्रांस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर एनर्जी के यूसेज को प्रमोट करना। फाइन, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज में मोस्ट कॉमन फोटोवोल्टाइक सेल मटेरियल कौन सा यूज होता है? इट इज द सिलिकॉन। कौन सी कंट्री है जो फिलहाल लीड कर रही है पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी? दिस इज द कंट्री चाइना। ओके, फिर हम क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल वार्मिंग? दिस इज ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 2015 में साइन किया गया था टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज? इट इज द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट का एम है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना टू बिलो 2 degrees centigrade, और अब तक 200 कंट्रीज ने लगभग कमिट किया है टू रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। राइट, फिर इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को एनुअली? इट इज नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। नीलगिरी माउंटेन रेलवे रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, तमिलनाडु स्टेट। द कुनूर रेलवे स्टेशन जो कि पार्ट है हमारे नीलगिरी माउंटेन रेलवे का, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में आ गया और इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम हेरिटेज एंथुजियास्ट। बेसिकली ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन है जिसको आप ऊटी टोआई ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये 45.88 किलोमीटर्स तक रन करती है फ्रॉम मेट्टू पलायम टू ऊटी। ठीक है, और ये लोकेटेड है तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये ट्रेन पहली बार रन हुई थी 1899 में और प्लान्स को इनिशिएट किया गया था 1854 में। तो रेलवे ऑपरेट होती है बाय मद्रास रेलवे अंडर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। 2005 में जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे इनके कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ये दर्शाता है। ठीक है, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो आजकल चर्चे में है ये सिचुएटेड है तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग? कौन से साल में नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने रिसीव किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस? दिस इज द ईयर 2005। ठीक है, और कौन इनिशियली रन कर रहा था नीलगिरी माउंटेन रेलवे को अंडर एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट? सो दिस इज मद्रास रेलवे। कितनी टोटल लेंथ है इस NMR लाइन की? सो दिस इज 45.88 किलोमीटर्स। फाइन, फिर अगर हम कुन्नूर की बात करें तो कौन सी माउंटेन रेंज है जो यहाँ पे लोकेटेड है? इट इज द नीलगिरी माउंटेन्स। और कौन सी एक फेमस टी ग्रोइंग रीजन है कुन्नूर में? दिस इज द नीलगिरी टी। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कोई भी साइट अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होती है तो उसमें खास बात होनी चाहिए, उसके कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, और उसका कुछ नेचुरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ 2023? दिस इज द कंट्री इटली। फाइन, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1972 में। यहाँ पे अगर हम बात करें अमृत भारत स्टेशन स्कीम की, तो प्राइमरी गोल क्या था अमृत भारत स्टेशन स्कीम का? जो भी हमारे रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर उनको मॉडर्नाइज और ट्रांसफॉर्म कराना। और कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए? इट इज द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हु चेयर्ड द फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? हाल ही में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? क्योंकि ये पहली मीटिंग थी इनकी, इस वजह से ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया है फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इन न्यू दिल्ली। इसके थ्रू गवर्नमेंट का प्लान है कि जो भी हमारे रिटायर्ड साइंटिस्ट और प्रोफेसर हैं उनको इंगेज करना एज मेंटोर्स फॉर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे लोअर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
है, ठीक है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आईटीज और नेशनल लैब से, वो यहाँ पे जाके मेंटोरशिप अपनी प्रोवाइड करेंगे और ये सपोर्ट होंगे बाय द गवर्नमेंट फंडिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे गोल क्या है, रिसर्च कैपेबिलिटीज को हमारी बूस्ट कराना इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च यानी कि पेयर प्रोग्राम भी अनाउंस किया गया है। किस लिए? ताकि रिसर्च एक्सीलेंस को फर्दर प्रमोट किया जाए, ठीक है। ANRF की अगर हम बात करें यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, तो उसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द 2023 एक्ट, और इसके थ्रू कोलैबोरेट किया जा रहा है इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट के साथ फॉर रिसर्च पर्पस। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है उसको मर्ज कर दिया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी पहली गवर्निंग बोर्ड मीटिंग हाल ही में हुई है और इस मीटिंग को चेयर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले, कौन से साल में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया गया? आंसर इज 2023। कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि इसमें एंगेज होंगे एज मेंटोर्स फॉर यूनिवर्सिटीज? तो ये हैं रिटायर्ड साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स, वो इन यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी गाइडेंस देंगे, ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया है इनटू दिस ANRF? दिस इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, मतलब SERB, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव है जिसको इसके तहत अनाउंस किया गया है और पर्पस क्या है रिसर्च एक्सेलेंस को प्रमोट करना थ्रू कोलैबोरेशन? इट इज द पेयर प्रोग्राम, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। फिर जो SERB है यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये प्राइमरी किस चीज़ को सपोर्ट करता है? तो रिसर्च फंडिंग और डेवलपमेंट को। कौन सी एजेंसी है जिसको कि इनकॉर्पोरेट किया गया इनटू दिस ANRF रिसर्च कोलैबोरेशन को इन्हांस करने के लिए? दिस इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है। बार बार आपको ये क्वेश्चन क्यों दिखाए जा रहे हैं? ताकि आपको हर एंगल पता चल जाए कि किस तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड ऑफ ANRF को किसने चेयर किया या कौन चेयर करता है? दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो पेयर प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये किस चीज पे फोकस करता है? तो इसका फोकस है रिसर्च कैपेबिलिटीज को यहाँ पे इम्प्रूव कराना, ठीक है। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन विल एक्सपर्ट्स फॉर मेंटोरशिप अंडर ANRF बी सोर्स? तो ये IITs और नेशनल लैब से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, What is the theme of World Suicide Prevention Day for 2024-26? 2024-26 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या है? करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड, ठीक है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन ग्लोबली, ठीक है। पहली बार इसको 2003 में हमने ऑब्जर्व किया था। इसका गोल क्या है? लोगों को एजुकेट कराना ऑन सुसाइडल बिहेवियर और किस तरह से आप इसको रोक सकते हैं, इसके बारे में बात करना। सुसाइड एक सिग्निफिकेंट कॉज है डेथ का, जिससे कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और फाइनेंशियल वेलबींग भी इफेक्टेड होती है। ओवर 7 लाख सुसाइड्स वर्ल्ड वाइड होते हैं हर साल, बहुत ज्यादा नंबर है ये, 7 लाख सुसाइड्स हर साल होते हैं पूरी दुनिया में, और इससे बहुत सारे लाइफ्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग जो सुसाइड करते हैं सिर्फ इनकी लाइफ ही नहीं इफेक्टेड होती है, बल्कि इनके जो रिलेटिव्स हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तो इस साल के लिए हमने थीम रखी है चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड, और यहाँ पे फोकस किया जा रहा है टेलिंग आवर स्टोरीज पे, जैसे कि ओपन डिस्कशंस इनकरेज किए जाएं अबाउट सुसाइड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को, और थीम हमने इस साल की रखी चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड, ओके। पहली बार हमने इसको कब ऑब्जर्व किया? 2003 में। दो ही क्वेश्चन इस चीज से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं? 10 सितंबर को। थीम हमने क्या रखी है? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो को स्पॉन्सर करती है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को अलॉन्ग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, मीन्स IASP, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली कितनी सुसाइड्स होती हैं वर्ल्ड वाइड ईच ईयर? दिस इज अराउंड 7 लाख सुसाइड्स, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मीन्स I4C ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का पहला स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर अमित शाह। इन्होंने हाल ही में एड्रेस किया है फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन
सेंटर मीन्स I4C कहाँ पे, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इस दौरान कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए बेसिकली, और CFMC मीन्स साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के साथ, और लॉ इन्फोर्समेंट किया जाए फॉर इमीडिएट एक्शन ऑन ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। तो समन्वया प्लेटफॉर्म बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि वेब बेस्ड सिस्टम है साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग के लिए, मैपिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए अमंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। साइबर कमांडोज प्रोग्राम क्रिएट करेंगे स्पेशल टर्म ऑफ ट्रेन साइबर एक्सपर्ट्स, ताकि जो स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज हैं हमारी, उनको सपोर्ट मिले इन डिजिटल सिक्योरिटी। सस्पेक्ट रजिस्ट्री जो है उससे इन्हांस होगी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, एक डेटाबेस ऑफ आइडेंटिफायर्स को मेंटेन करके जो कि लिंक्ड होंगे टू द साइबर क्राइम रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, ये हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में, और इसको एड्रेस किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले, फादर ऑफ साइबर क्राइम लॉ हम किनको कहते हैं? दिस इज डॉन पार्कर, ओके। डॉन पार्कर को रिकॉर्ड किया जाता है एज अ पायनियर इन साइबर क्राइम लॉ, ठीक है। इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि एथिकल बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है इन कंप्यूटिंग, और इनका जो वर्क है उसने नींव रखी थी फॉर मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी लॉज, ठीक है। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ साइबर क्राइम लॉ भी कहते हैं। फिर कौन से कन्वेंशन है जिसका पर्पज है नेशनल साइबर क्राइम लॉज को हार्मोनाइज करना इंटरनेशनली? दिस इज बुडापेस्ट कन्वेंशन, इसको आप कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और ये इनैक्ट हुआ था 2001 में। पर्पज है नेशनल साइबर क्राइम लॉज को हार्मोनाइज करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के जनरल असेंबली को, साथ ही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये कब होगी? नवंबर मंथ में होगी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके लिए हमने थीम रखी है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, और ये थीम रिफ्लेक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन को, जो कि है सहकार से समृद्धि, ओके। तो ये इवेंट जो है इसमें लॉन्च किया जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को, और ये इस दौरान अनवील किया जाएगा एक कमेमोरेटिव स्टैम्प भी। तो इंडियन कोऑपरेटिव्स शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इन हार्ट सेटअप, जिसकी थीम जो है वो इंडियन विलेजेस के अराउंड रखी गई है। इंडिया क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट शेयर मौजूद है वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स का, और पर्पस क्या रहेगा? कोऑपरेटिव मूवमेंट को बूस्ट करना थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंडिया होस्ट करेगी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली को और ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को, कब करेगी? नवंबर 2024 में। यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की, तो इसको पहली बार कब फाउंड किया गया था? तो 1895 में। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कब ऑब्जर्व की गई? 2012 में। प्राइमरी एम क्या था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का? पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना अबाउट द कोऑपरेटिव्स और इनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इनिशिएट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को? सो दिस इज द यूनाइटेड नेशंस, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, Which ministry recently published the report named as Health Dynamics of India Infrastructure and Human Resources 2022-23? हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन 2022-23 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? The correct answer is B option, Ministry of Health, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज की है हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 रिपोर्ट को, जिसको आप रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इंडिया में ये बताया गया कि 714 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और 362 मेडिकल कॉलेजेस हैं। रूरल हेल्थ फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं अगर हम 2005
से 2023 में कंपैरिजन करें तो, और अब फिलहाल 32,000 के लगभग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं नेशन वाइड। इसमें से 25,000 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो रूरल एरियाज में मौजूद हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं इन सेंटर्स पे वो भी इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि पहले ये वैल्यू थी सिर्फ 20,000 और अब ये बढ़ के हो गई है 32,000, ठीक है। और ऑब्वियसली वैकेंसीज भी बढ़ गई हैं, तो बहुत सारी सब सेंटर्स और अर्बन पीएचसीज हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी रेंटेड बिल्डिंग्स में, और 36% का शॉर्टफॉल देखा गया है अर्बन पीएचसीज में एज पर द अर्बन पॉपुलेशन नॉर्म्स, ठीक है। तो हमें ये रिपोर्ट के अंदर क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है वनडे एग्जाम के लिए, सिंपली हमें याद रखना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो कब इसको पहली बार इस्टैब्लिश किया गया था, 1952 में। कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को? इन द अल्मा अटा डिक्लेरेशन, दिस इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग, कौन सा पहला मेडिकल कॉलेज था इंडिया का? इट वॉज द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, फाइन। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स फंक्शन करते हैं? सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सा स्टेट है इंडिया का जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं? सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फाइन। बेसिक यूनिट क्या होती है इंडियन हेल्थ सिस्टम की इन द रूरल एरियाज? दीज आर द सब सेंटर्स, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव रिसेंटली कंप्लीटेड 5 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे करने वाले इंडो पैसिफिक महासागर पहल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, 2019। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया इंडिया ने 2019 में, कहाँ पे? एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक एज अ ग्लोबल नॉन ट्रीटी इनिशिएटिव, ठीक है। और ये बिल्ड हुआ है इंडिया के 2015 के सागर कॉन्सेप्ट के द्वारा। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये पूरा फुल फॉर्म है सागर का, ठीक है। तो IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव प्रमोट करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग को और पार्टनरशिप को विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज थ्रू प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 पिलर्स हैं जहां पे कंट्रीज वॉलंट्री तरीके से लीड करती हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ फोकस को। ये ऑफर करता है एक अल्टरनेटिव टू द जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और ये अलाइन करता है इंडिया के मैरिटाइम विजन 2030 के साथ और कुछ और ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जिनको ये अलाइन करता है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को लॉन्च हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और कब इसको लॉन्च किया गया था? आंसर इज 2019, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के रिगार्डिंग। कब इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया 2019 में एट द ईस्ट एशिया समिट जो कि बैंकॉक में हुई थी, ठीक है। कितने इसके पिलर्स हैं? तो इसके टोटल 7 पिलर्स हैं। कौन सा इंडिया का कॉन्सेप्ट है जिसपे ये डेवलप किया गया है? तो इट इज द सागर मिशन। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। किसने सागर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था? दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब कराया था? 2015 में, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था सागर मिशन का? सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, फाइन। ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो कब हुई थी ये समिट? 2015 में। और कितनी मेंबर कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में? दिस इज 18, और ये बैंकॉक में हुई थी 2019 में, ठीक है। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चाइना अनाउंस्ड जॉइंट नेवल एंड एयर ड्रिल्स नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 अलॉन्ग विद विच कंट्री? हाल ही में चीन ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, रशिया। चाइना और रशिया ने मिलकर अनाउंस किया है ज्वाइंट नेवल और एयर ड्रिल्स जिनका नाम है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, कहां पे? इन द सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या होगा? स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बूस्ट करना बिटवीन द टू कंट्रीज चाइना एंड रशिया, और अपनी एबिलिटी को इन्हांस करना जिससे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस किया जाए। तो सी ऑफ जापान बेसिकली एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक में, और इसको बॉर्डर करती हैं जापान, सकलिन आइलैंड्स, रशिया एंड कोरिया। सी ऑफ ओखोत्स्क सराउंडेड है आप कह सकते हैं कमचटका पेनिनसुला से, क्यूरिल आइलैंड से, होकाइडो और साकलिन आइलैंड से। ये जो ड्रिल्स हैं बेसिकली ये हाईलाइट करते हैं इंक्रीजिंग मिलिट्री कोलाबरेशन को बिटवीन द टू नेशंस। तो चाइना ने हाल ही में ज्वाइंट नेवल एंड एयर ड्रिल्स को अनाउंस किया है अलॉन्ग विद द कंट्री रशिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 में कौन सी दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो दीज टू कंट्रीज आर रशिया एंड चाइना, ओके। तो ये हो गए हमारे आज के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब हम चलते हैं एज यूजुअल रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें ऑन डेली बेसिस हम तीन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। आज के हमारे तीन टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड एमसीक्यूज की, फिर हम चलेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स की तरफ, और लास्ट में हम कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डालेंगे जो पिछले 6 से 8 महीनों में न्यूज़ में आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ की तरफ। जो लोग यहाँ पे नए हैं, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे पर्पज है रिवीजन करना, और इसीलिए हम इसको वन लाइनर फॉर्मेट में क्विकली कवर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन अगस्त में पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन जनवरी में, तीसरा क्वेश्चन सेप्टेम्बर में। मीन्स क्या है कि पिछले 6 से 8 महीने के क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड हैव साइंड अ पैक्ट to establish a coal to synthetic natural gas plant in which region of West Bengal? The correct answer here is Raniganj. What is the primary purpose of quality control orders जिसको कि issue किया था government ने? तो इनका purpose था contain sub standard imports. Goods trade barometer is developed by which organization? इसको develop किया था World Trade Organization ने। प्रवाह portal is launched by which institution? ये portal था Reserve Bank of India का। Where will India's first battery energy storage giga factory be established by October 2024? India की पहली battery energy storage giga factory established हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर तक। Which ministry has received the highest budgetary allocation in the interim budget of 2024? सबसे ज्यादा budgetary allocation दिया गया है Defence Ministry को। Recently the government has released the guidelines for starting pilot program to use the green hydrogen in which one of the following sectors? The correct answer is transportation sector. Second position पे हम discuss करने वाले हैं कुछ defence current affairs को। पहला question है, recently which shipyard has launched the first indigenously built तलवार class frigate जिसका नाम है त्रिपुत? यहाँ पे answer हो जाएगा Goa Shipyard Limited, GSL ने launch किया है पहला indigenously built तलवार क्लास की फ्रिगेट जिसका नाम है त्रिपुत। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि त्रिपुत किस क्लास को बिलोंग करती है, याद रखिएगा ये तलवार क्लास की है। ठीक है, व्हाट आर सोनो बॉयस रिसेंटली मेंशनड इन द न्यूज? ये बेसिकली स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस है जिनको कि आप अंडर वाटर में यूज करते हैं टू डिटेक्ट एंड सोनार सिस्टम्स। ठीक है, व्हाट इज K9 वज्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज? K9 वज्रा क्या है? ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। मैको मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल बिलोंग करती है US को। SIG-716 राइफल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? ये राइफल मैन्युफैक्चर करती है US। मित्रा शक्ति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? इसमें कौन सी दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? इंडिया और श्रीलंका। According to the SIPRI report, how many nuclear warheads does India currently have? SIPRI की report के हिसाब से India के पास 172 nuclear warheads मौजूद हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कुछ reports and indices को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने। Which organization recently launched the inflation expectation survey of households and consumer confidence survey? यहाँ पे आंसर है Reserve Bank of India. Which organization recently released the report titled as Hooking the Next Generation? How the tobacco industry captures young customers? ये report publish की है WHO ने। What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2024? इसमें इंडिया की रैंक रही 159। Jobs for Resilience report is released by which organization? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। और लास्ट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रिवीजन वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। आप में से जो लोग भी इस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं और कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते हैं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि कम से कम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप में से सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग इसको अटेम्प्ट किया करिए और कोशिश किया करिए अपना आंसर लिखने की। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके जवाब आपको कमेंट में मेंशन करना होगा। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चन हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा है इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ठीक है, तो कल तो संडे है, मंडे को वापस से मिलते हैं विद सम मोर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीन्स हेड्स एन साइनिंग ऑफ।